चीन से फैली वैश्विक महामारी कोरोना के चलते चीनी सामानों का भारत में बहिष्कार शुरू हो चुका है। इसी क्रम में एक कदम आत्मनिर्भरता की ओर कार्यक्रम के तहत बहरोड़ में दिव्यांग कलाकार भी अपने द्वारा बनाए गए सामान का उपयोग कर स्वदेशी अपनाने की अपील कर रहे हैं। ऐसे में COVID-19 संकट के दौरान सरस्वती देवी दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र बहरोड़ के दिव्यांग कलाकारों ने खूबसूरत मोमबत्तियां और आर्ट और क्राफ्ट तैयार किए हैं। दिव्यांग कलाकारों के द्वारा बनाई गई ये मोमबत्तियां और आर्ट क्राफ्ट आम आदमी तक पहुंचे, इसके लिए बहरोड़ के स्टेडियम के पास स्टॉल लगाकर बिक्री की जा रही है। मोमबत्तियों से होने वाली आय से दिव्यांग प्रोत्साहित होंगे और खुशी खुशी अपनी दीपावली मनाएंगे। स्टॉल का उद्घाटन सोमवार को बहरोड़ उपखंड अधिकारी संतोष कुमार मीणा ने फीता काट कर किया और आम लोगों से अपील की है कि दिव्यांगों के प्रोत्साहन के लिए सभी को इनके द्वारा बनाए गए सामान को खरीदना चाहिए। आपको बता दें कि सरस्वती देवी दिव्यांग सशक्तिकरण और वोकेशनल एवं प्री वोकेशनल सेंटर बहरोड़ में सभी प्रकार के दिव्यांग बच्चों का शिक्षण प्रशिक्षण एवं रहने खाने की व्यवस्था निःशुल्क की जाती है। इस संस्था का संचालन जन जागृति संस्थान बहरोड़ के द्वारा किया जाता है। संस्थान के सहयोग से दिव्यांग कलाकारों ने अपने हुनर से विभिन्न प्रकार के सामान बनाए हैं जिसकी बिक्री की जा रही है। का विषय है ये दिव्यांग बच्चों ने बहुत ही सुंदर जो है दिए मोमबत्तियाँ और महिलाओं के आर्टिफिशियल जो बैग हैं या आर्ट एंड क्राफ्ट के कुछ आइटम हैं जो कि इन बच्चों ने तैयार किए हैं। हमारा एक उद्देश्य था जिसको लेकर के हम लोग चल रहे हैं कि ये बच्चे जो आज समाज से दुनियादारी से एक तरह से कटे हुए हैं, कोई भी इनको तूल नहीं देता है, महत्व नहीं देता है, तो यहाँ ये कैनोपी इनकी लगवाने का जो मूल उद्देश्य था वो यही था। SDM साहब ने भी यहाँ आकर के फीता काटा और इन बच्चों का उत्साहवर्धन किया, इनको एक एक्सपीरियंस नया हम प्रोवाइड करवा सके जिससे ये लोग अपने आप को एक स्टैंड दे सके, मार्केट में इन्हें ये महसूस हो सके कि हमारे बनाए गए सामान की भी वैल्यू है, उसके साथ साथ इनको मार्केट में कैसे बैठा जाता है, किस तरह से मार्केट में काम किए जाते हैं, उस तरह अपना एक स्टैंड डेवलप कर सके, इसी उद्देश्य से हमने ये सारा प्रोग्राम किया है। देखो दिवाली के अवसर पर जो सरस्वती देवी दिव्यांग प्रशिक्षण केंद्र है उन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है और ये अलग अलग तरह के दिव्यांग बच्चे हैं तो मैं इनकी हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ आया हूँ और आम जन से भी गुजारिश करूँगा कि हमें ऐसे लोगों का मोटिवेशन के लिए कुछ ना कुछ हमें इनसे खरीदारी करनी चाहिए और कम से कम हम यहाँ आके देखें कि इन्होंने किन परिस्थितियों में रहते हुए किस तरह से काम किया है, किस तरह से अपने पैरों पे खुद खड़े हो रहे हैं, किसी पे ये आश्रित नहीं है, जो हमारे लिए मोटिवेशन है और इनके लिए काबिल तारीफ है। मैं यही कहूँगा बढ़ चढ़ के अपने पैरों पे खड़े रहें और कहीं भी हमारे प्रशासन की या मेरी ज़रूरत हो तो हमें ज़रूर अवगत कराइए, हम आपके साथ हैं।